कैसे हो दोस्तों आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस हम आपके लिए फिर से एक न्यू स्मार्ट वॉच लेके आए हैं। यहाँ पे बॉक्स का लुक देख सकते हैं आप, कुछ फोकस के साथ दिखा देता हूँ आपको, बॉक्स का लुक देखिए। और यहाँ पे गाइस आपको वॉच की इमेज देखने को मिलेगी, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको लोगो देखने को मिलेगा अल्ट्रा 2 का। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं अल्ट्रा 2 स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी। गाइस इसके डिस्प्ले साइज की बात करें तो 2.05 इंच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है आपको, और यहाँ पे हाई क्वालिटी बेस्ट चॉइस। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं एक क्या नाम है, आपको स्टिकर मिलता है ऑरेंज कलर का। तो गाइस इस कलर की आपको स्टेप मिलेगी इसके अंदर, ओके बिल्कुल मैच होती है, इसलिए ये आपको गोल सा स्टिकर मिल जाता है, वो भी ऑरेंज टाइप में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा L-22। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आपको BT कॉलिंग देखने को मिलती है, स्पोर्ट मोड देखने को मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने को मिलती है। तो गाइस इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको अनबॉक्सिंग में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला भी हूँ, ठीक है। तो लास्ट टाइम वीडियो बने रही है, वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना। तो गाइस एक बार पीछे नज़र मार लेते हैं, पीछे तो देख सकते हैं वही मेड इन चाइना ऐप स्टोर। तो यहाँ पर आपको क्या नाम है, ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कह रहा है वॉच का। तो चलिए हम पहले से कर लेते हैं ओपन, ओपन करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस हमने अपना बॉक्स ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक स्टेप वायरलेस चार्जिंग और आपकी वॉच देखने को मिलेगी, खाली आपको ये तीन चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं इसका वायरलेस चार्जिंग। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है जो कि मैग्नेट में है, आप इसे किसी भी अडेप्टर लगा के चार्ज कर सकते हैं, ओके सपोर्टेड है। तो चलिए रख देते हैं साइड में, आप निकाल लेते हैं स्टेप। यहाँ पर आपको स्टेप दिखाते हैं, ऑरेंज कलर में आपको स्टेप देखने को मिलती है जो कि काफ़ी फेमस है। ये देख सकते हैं कि मटेरियल की बात करें, मटेरियल काफ़ी बेस्ट और काफ़ी अलग ही टाइप में है। लुकिंग देख सकते हैं, लुकिंग काफ़ी हाई क्वालिटी में है, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं इसे भी साइड में, इसमें स्टेप बिल्कुल बेस्ट है। अब निकाल लेते हैं अपनी अल्ट्रा 2 स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या नाम है, एक मिनट ऐसे लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पिन्नी चढ़ी हुई है, हम पहले पिन्नी उतारने से पहले नज़र मान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अब हम इसकी पिन्नी उतार देते हैं, आपको पीछे से उतारना है इसका, और यहाँ पे हम पिन्नी रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पिन्नी उतार दी, वॉच का कुछ लुक देख सकते हैं आप, लुक देखिए कैसा देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखिए क्या नाम है, पीछे का साइड दिखा देता हूँ एक बार आपको, पिन्नी यहाँ से भी उतार के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने पिन्नी उतार दी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसा आपको लुक देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस आपको 1, 2, 3, 4 स्क्रू देखने को मिलते हैं, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल। और यहाँ पे देख सकते हैं सेंसर की बात करें तो सेंसर अभी हम आपको हार्ट रेट चालू करके चेक कराएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंसर के बिल्कुल साइड में आपको कुछ डिजाइन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और गाइस इसके साइड में आपको बटन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल बटन देखने को मिलेगा आपको, जिससे आप रोटेट कर सकते हैं, थंबनेल वंबनेल चेंज कर सकते हैं। वह टैप करेंगे तो आप इससे बैक भी आ सकते हैं, ओके। बीच में आपको माइक्रोफोन मिलेगा और जस्ट बराबर में पावर ऑफ का बटन मिलेगा, जिससे आप वॉच ऑन ऑफ कर सकते हो। इधर आओगे तो इधर आपको स्पीकर मिलेगा, और जस्ट बराबर में आपको एक्स्ट्रा एक बटन और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आपको स्टेप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप स्टेप लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक बटन मिलता है जिससे कि आप स्टेप लगाते हैं तो आपकी स्टेप काफ़ी सही टाइप में लॉक हो जाती है। नहीं पहले की वॉचों में थोड़ा ढीला ढाला होता था ना, तो गिरने का निकलने का डर रहता था, तो अब नहीं है क्योंकि लॉक में काफ़ी अपडेट कर दिया इन्होंने। तो आप इसे क्या नाम है, स्टेप को बहुत सही तरीके से लगा सकते हो। तो सही है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं लुकिंग देख सकते हैं वॉच की। तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं बिना देरी करते हुए ऑन। सबसे पहले आपको पावर ऑफ के बटन पर टैप करना है, ये आपकी वॉच ऑन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोगो ही हेलो है, तो हम भी हेलो कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको वॉच की इमेज देखने को मिलेगी, ये टाइम के साथ हमें देखने को मिलता है, जो ऑफ होने के बाद भी टाइम शो करता है। चलिए हम इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपको पेडीमीटर शो होता है, हार्ट रेट शो होता है, ब्लड प्रेशर शो होता है, ब्लड ऑक्सीजन शो होता है, स्लीप होता है, वेदर होता है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको साइडों में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे स्क्रॉल वाले बटन को टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ऐप की लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे आपको ऐप देखने को मिलेंगे, आप देखिए एक मिनट की, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप इसे ऊपर करते रहेंगे आपके सारे ऐप आ जाएंगे। तो हम शुरुआत ऊपर से करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या नाम है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, ये देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको पेडीमीटर देखने को मिलेगा, हार्ट रेट देखने को मिलेगा, ब्लड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये वॉच बंद हो रही है तो ये 5 सेकंड पे सिलेक्ट है स्क्रीन टाइम। तो हम इसे स्क्रीन टाइम को बढ़ा देते हैं, फिर आपकी वॉच बंद नहीं होगी। सबसे पहले इसे ही करते हैं, फिर आपको डिटेल देते हैं एंड। सबसे पहले आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ नीचे आपको स्क्रॉल करना है। ये देख सकते हैं हमारी, हम कर देंगे इसे 30 सेकंड पर सिलेक्ट। अब बैक आएंगे, अब आपको ऐप का इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आपको पेडीमीटर देखने को मिलेगा, हार्ट रेट देखने को मिलेगा,
ब्लड ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, ओवल करेंगे तो आपको स्पॉट देखने को मिलेगा, स्लीप देखने को मिलेगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने को मिलेगी, कॉल लॉन्ग देखने को मिलेगा, ओके डायल यहाँ पे आप डायल भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप चैट मिलेगा, यहाँ पे आप ऊपर करेंगे, यहाँ पे फेसबुक मिलता है, ट्विटर मिलता है, व्हाट्सअप मिलता है, स्टाइल का ऑप्शन मिलता है आपको, स्टाइल वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लास्ट कितने स्टाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको 5 स्टाइल मिलते हैं, मैं आपको एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस पर सिलेक्ट करा, अब हम बैक आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कुछ स्टाइल में आपकी स्टाइल चेंज हो चुकी है, आप अलग अलग उस पर सिलेक्ट करके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे पहले जैसा कर देता हूँ स्टाइल को, ओके तो हमने फिलहाल पहले ऐसा कर दिया, अभी हम अब पहले ऐसे पे स्टाइल पा चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बताया था फेसबुक ट्विटर व्हाट्सअप स्टाइल लिएगा, और फिर ऊपर करेंगे यहाँ पे आपको क्या नाम है, यहाँ पे आपको कैमरा का सिस्टम मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, आपको स्टॉप वॉच आप स्टॉप भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे गिनती विनती काउंट होती है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कैमरा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इसका ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो मोबाइल में ऐप कनेक्ट हो गया तो आप इस पर टच करके अपने मोबाइल में सेल्फी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद इसे और ऊपर करेंगे, आपको वेदर मिलता है, क्यू आर कोड मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है, और ये सेटिंग वाला ऑप्शन मिलता है बिल्कुल लास्ट में, क्यू आर कोड का भी आपको अभी बताएंगे। ठीक है, चलिए बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेदर मिलता है और यहाँ पे कैलकुलेटर मिलता है, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिलहाल तो वैसे मोबाइल में भी मिलता है पर आप वॉच में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में आना, आपको देख सकते हैं अबाउट वाला सिस्टम मिलता है, लैंग्वेज मिलती है, आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं, और ये आपको ब्राइटनेस मिल जाता है जिससे कि आप माइनस पर करके कम कर सकते हैं, प्लस पर करके फुल कर सकते हैं, फिलहाल के लिए फुल कर देते हैं, बैक आ जाते हैं और ये ऊपर आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइम का, ये जैसे आपकी डिपोज 5 सेकंड पर सिलेक्ट थी तो हमने 30 सेकंड पर करा था अभी आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं 5 सेकंड पर सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वॉच 5 सेकंड में बंद हो जाएगी, यहाँ पे 7 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड और लास्ट 30 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो आप 30 सेकंड पे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वाइब्रेशन का ऑप्शन दे रखा है, या तो आप क्या नाम है इसे ऑफ भी कर सकते हैं या तो फिलहाल ऑन ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको रिसेट का ऑप्शन मिलता है, पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है, और नीचे आएंगे तो लास्ट यही है, यहाँ पर आप रिसेट कर सकते हैं और सबसे नीचे पावर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट वाले सिस्टम में भी दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैंने आपको बताया था L-22 Ultra 2, तो इसके मॉडल नंबर है गाइस। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था L-22 Ultra, ये खाली ये बताया था मैंने आपको L-22, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा अबाउट में नेम जो दिखा रहा है वॉच का L-22 Ultra 2। ओके, यहाँ पर आपको वर्जन नंबर देखने को मिलेगा 63.73। ठीक है, और यहाँ पे आप सारी डिटेल ले सकते हैं, यहाँ पर सब चीज़ आपको वर्जन नंबर, वॉच नेम, मॉडल नंबर सब चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अबाउट वाले सिस्टम में आकर सारी डिटेल ले सकते हैं इसकी। तो चलिए बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद एक मिनट आपको लैंग्वेज को भी दिखा देते हैं, यहाँ पर आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाइनीज़ है, इंग्लिश पर तो है ही सिलेक्ट, और भी आपको भाषा मिल, इराक है, काफ़ी अलग अलग भाषा आपको मिलती हैं जो कि आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरी इंग्लिश पे थी तो मैं इसे इंग्लिश पे रहने देता हूँ। तो चलिए बैक आ जाते हैं, यहाँ पर पासवर्ड भी ऑन करके पासवर्ड सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल वाले बटन को रोटेट करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके कुछ ही थंबनेल है जो वॉच के अंदर वही आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ ही थंबनेल देखने को मिलेंगे जो कि वॉच के अंदर खाली थोड़े बहुत थंबनेल देखने को मिलेंगे। और अगर आप अलग से थंबनेल लगाना चाहते हैं या थंबनेल लगाना चाहते हो या अपनी डीपी लगाना चाहते हो तो उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसे ऊपर करेंगे तो यहाँ आपको मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे आप नीचे डाउन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ब्लूटूथ कॉल का मिलता है, सर्चिंग का ऑप्शन मिलता है, क्यूआर कोड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको, और स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, ब्राइटनेस देखने को मिलता है, और यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग का मिलता है, ब्राइटनेस देख सकते हैं हमेशा का, और दिखा देता हूँ आपको और क्या क्या है। बस तो ये गाइस यही ऑप्शन है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं तारीख और डेट आपको सब चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, और बैटरी आपको यहाँ पे शो होगी। तो क्यूआर कोड का हम बता देते हैं आपको, सबसे पहले आपको ले लेना एक मोबाइल, फिर आपको दिखाते हैं इसके ऐप कैसे डाउनलोड करें जिससे कि आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम एक फ़ोन, तो जैसे ही गाइस देख सकते हैं हमने फ़ोन ले लिया है, हम सबसे पहले क्या नाम है गूगल ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं मेरा गूगल यहीं पे ही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे बोलने का सिस्टम मिलता है आपको, और ये साइड में आपको स्कैनर का मिलता है, तो यहाँ पे आपको स्कैनर खोल लेना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कैमरे पे, तो ये आपको क्यूआर कोड सीधा इसके नीचे रखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिंक बनी हुई आएगी आपको थोड़ा सा, ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एक लिंक बनी हुई आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिंक बनी हुई आ रही है, तो इस पर आपको टैप करना है, ये देख सकते हैं ये हमारी लिंक ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऐप का आपको नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पर आप ऐप का नाम देख लीजिए और फिर जाके प्ले स्टोर में टाइप करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या नाम है, नीचे आना है, सीधे प्ले स्टोर पर सिलेक्ट करेंगे, सीधे प्ले स्टोर में जाएंगे। फिर प्ले स्टोर में हम आ चुके हैं, तो इसे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा ऐप पेंडिंग में चल रहा है, तो अब ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा, तो हम वीडियो कर देते हैं स्किप। गाइस देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, तो हम इसे ओपन पे टैप करेंगे और जो मैं आपको करके दिखाऊंगा उस स्टेप को आपको फॉलो करना है। आपको सबसे पहले एग्री पे टैप करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे एक मिनट स्किप वाले ऑप्शन ही इसे थोड़ा देर करना, आपको ये स्टार्ट वाले ऑप्शन को हम टैप कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं होम पे आ चुके हैं, तो आपको क्या नाम है नेक्स्ट पे टैप करना है, ये ओके पे कर देंगे हम। तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देनी पड़ेगी इस ऐप की, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसे क्या नाम है टैग जाएंगे और इसे टैप करके रखेंगे, तो उसके अबाउट वाले सिस्टम में जाएंगे, तो हम नीचे आएंगे, परमिशन वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। और इसकी देख सकते हैं कुछ भी परमिशन नहीं दी गई है, सबको आपको परमिशन देनी है। अलाउ वाले सिस्टम पर आपको टैप करना है सब पे, तो मैं वीडियो को ज़रा फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे गाइस देख सकते हैं हमने सारी परमिशन इसकी अलाउ पर सिलेक्ट कर दी है। अब हम बैक आ जाएंगे और दोबारा इसे ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग हो रही है, ये देख सकते हैं गाइस आपको डिवाइस वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको ऐड डिवाइस पर टैप करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने लोकेशन ऑन कर दी है, हम दोबारा इस पर टैप करेंगे। अलाउ वाले सिस्टम पर आपको टैप करना है, यहाँ पर देख सकते हैं एक बार और टैप करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा सर्चिंग हो रहा है टाइप के तरीके से, एक हमारा देख सकते हैं यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है। एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं वॉच में, हम ऑन कर देते हैं, यहाँ पे हम ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन कर देंगे फिर भी जिससे आसानी हो। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मॉडल नंबर आ चुका है L-22 Ultra 2, ठीक है, तो हम इस पर टैप करेंगे, वो कनेक्टेड पर टैप करना है, यहाँ पर अलाउ वाले सिस्टम पर टैप करना है। यहाँ पर थोड़ी सी देख सकते हैं पेयरिंग हो रही है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो चुकी है पेयरिंग सक्सेसफुल, तो हम इसे ओपन पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीचे आना है और इस ऐप की आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देनी है, तो हम वापसी बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, तो हम प्लेस के लिए बैक आ जाते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी ऐप में कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर हम डिवाइस वाले ऑप्शन में आएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा वॉच का मॉडल नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको मैसेज का ऑप्शन मिलता है, तो आप फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो या ट्विटर्स हो या SMS हो, आप सारे मैसेज ऑन कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम क्यों ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको SMS का दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी ट्विटर्स हो या इंस्टाग्राम हो फेसबुक को ऑन करेंगे, तो आपके जो भी फेसबुक से रिलेटेड मैसेज होंगे वो आपके वॉच पे वॉच के डिस्प्ले पे शो करेंगे, ठीक है। तो भाई ये इसलिए दिया गया था, चलिए बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद ये देख सकते हैं अलार्म का ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या नाम है कैमरा, हाँ ये आपको रिमोट कैमरा का ऑप्शन दे रखा है, जिससे कि आप अपना मोबाइल सामने रख के अपने वॉच पे टच करके सेल्फी ले सकते हो, जैसे कि आपके साथ कोई नहीं होता और आपको बैक कैमरे से सेल्फी लेनी है, तो गाइस ये उसके लिए दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या नाम है वाइब्रेशन वाला ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं वेदर का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखा है। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, वैसे भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको वॉच में बता दी गई थी, फिर भी मैं आपको मेन चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। और आपको मैंने वॉच भी कनेक्ट करके दिखा दी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था थंबनेल लगाने का, तो आप थंबनेल भी यहीं से लगा सकते हैं, चाहे अपना थंबनेल हो चाहे वो फोटो भी ना हो। फिर थोड़े बहुत ऐड आएंगे आपको स्किप करना है, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, देख सकते हैं एक नॉर्मली थंबनेल लगा हुआ है, तो हम फिलहाल के लिए सिलेक्ट इमेज पाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम फोटो ले लेते हैं, आप इसे एडजस्ट कर लीजिए कितना रखना चाहते हैं। फिलहाल मैं डन पर टैप कर देता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस पर टैप कर दूँगा, और ये देख सकते हैं हमारा फ़ोटो अपलोड हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे वॉच पे भी कुछ एरो टाइप का ऑप्शन आ चुका है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है फ़ोटो अपलोड होने में, तो वीडियो को हम कर देते हैं स्किप। तो जैसे ही गाइस देख सकते हैं ये हमारा फ़ोटो बस अपलोड होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 93% हो चुका है, ये वॉच में भी आपको देख सकते हैं देखने को मिल रहा है, बस होने ही वाला है 100% बस हो गया एक तरीके से। फिर आपको दिखाते हैं ये देखिए 99% एक तरीके से आ चुका है, अब ये हो गया है हमारा 100। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉच पे हमारा फ़ोटो लग चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अलग ही लुक और काफ़ी अलग ही देख सकते हैं अलग ही तरीके से हमें वॉच पे फ़ोटो देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं काफ़ी लुकिंग टाइप में हमें वॉच देखने को मिल रही है,
एक चीज़ और कर सकते हैं, आप जब फोटो सिलेक्ट करके लगाएंगे तो आप टाइम और डेट वेट को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे नीचे या साइड वाइड में रख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको करके नहीं दिखाया, तो आप कर सकते हैं। जल्दीबाजी में मैंने इसे अपलोड कर दिया, तो आपको ऑप्शन मिलेगा टाइम, आप दाएं बाएं ऊपर नीचे आप जहां भी सिलेक्ट करके रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। आप मुंह से हटाना चाहते हैं तो ये मुंह पे से हट जाएगा टाइम। आप देख सकते हैं कि वॉच पे आपको मैं थंबनेल लगा के दिखा दिया। तो गाइस मैंने आपको सारी वॉच की डिटेल दे दी गई है, जो भी क्या नाम है छोटी मोटी डिटेल थी, मेन जो चीज थी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं समाप्त। समाप्त करने से पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आपको जो भी वीडियो में पसंद आया हो और तुम्हें लगे कि मैंने कोई चीज़ अगर मिस कर दी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, कि जैसे ही कोई भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई वॉच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।